हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग है, छोटा सा वीडियो है और बहुत पुराना है, ओल्ड वीडियो है। मैं जब बैंगलोर में रहती थी तब मैंने शूट किया था, गलती से ये रह गया है पीछे। तो बैंगलोर की छोटी सी यादें बोल सकते हो आप। तो बैंगलोर में थी तब मैंने जो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत जो भी काम किया था और आफ्टरनून में थोड़ा बहुत जो भी काम किया था वो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है इसमें। और जो किचन का विंडो था मेरा बैंगलोर वाला, उसमें से बहुत प्यारा सा व्यू आता था मॉर्निंग के टाइम, और ये गैलरी में से दिखता था। बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, ये पेड़ जो था उसको ऐसे फ्लावर आते थे, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा लगता था ये फ्लावर वाला पेड़। और बारिश के टाइम में तो और भी बहुत अच्छा मतलब दिखता था वो। तो छोटा सा जो ब्लॉग है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मैंने इवनिंग के टाइम पिज़्ज़ा बनाया था, ज़्यादा कुछ मुझे अच्छे से नहीं आता है, लेकिन मैंने ट्राई किया था फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम मैंने ये ट्राई किया था। जो पिज़्ज़ा बेस था वो मैंने मार्केट से लेकर आ गई थी, और जो भी मेरे पास वेजिटेबल्स थे, शिमला मिर्च और प्याज और जो स्वीट कॉर्न थे वो भी डाल दिए थे, और जो सॉस लगते हैं उसमें दो तीन पिज़्ज़ा सॉस या कचप होता है वो दोनों लगा दिए थे, और ग्रीन चिली सॉस भी लगा दिया था मैंने थोड़ा सा। तो दो बेस थे, दो बेस आते थे एक पैकेट में, तो दोनों मैंने बना दिए थे। जैसे मार्केट में मिलता है या जो हम लोग ऑर्डर करते हैं वैसे टाइप का नहीं बनता है, थोड़ा सा ना ऐसे हार्ड टाइप का बनता है। घर पे पता नहीं माइक्रोवेव में अच्छा बनता होगा, लेकिन जो मैंने कढ़ाई में ट्राई किया था, जैसे कढ़ाई के नीचे थोड़ा सा नमक डाल के फिर उसमें कटोरी रख के फिर उसके ऊपर प्लेट पिज्ज़ा की जो प्लेट थी वो रख के फिर उसको बेक किया था, तो इतना अच्छा नहीं बना था। चीज़ वो सब कुछ भी डाल दिया था, टमाटर डाल दिया था, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। जैसे मार्केट में मिलता है वैसा टेस्ट नहीं आता है, और थोड़ा सा हार्ड टाइप का भी लग रहा था मुझे, तो मुझे पसंद नहीं आया था। बच्चों ने तो खा लिया था, उनको आया था पसंद, लेकिन मुझे और घर वालों को किसी को पसंद नहीं आया था ये तो। लेकिन ट्राई किया था, ठीक ठाक बना था, इतना भी मतलब खाने लायक बना था, लेकिन वही ना मार्केट जैसा नहीं टेस्ट आता है। तो ये बना दिए थे मैंने, दो बनाए थे। फिर इवनिंग के टाइम चाय और सब कुछ सासू माँ पी थी, फिर डिनर भी बनाना था मुझे, तो मैंने कुछ भिंडी की सब्ज़ी, शिमला मिर्च, जैसे सिंपल वाला ही खाना बनता है मेरे घर में, ज़्यादा मसाले वो सब कुछ यूज़ नहीं होता है मेरे सब्जियों में। तो भिंडी ये स्पेशली मेरे सासू माँ के लिए बन रही थी, तो उसमें बस लहसुन, हरा मिर्च, धनिया वो सब कुछ डाला था। मूंगफली भी डालते हैं भिंडी के सब्ज़ी में थोड़ा सा पीस के, लेकिन सासू माँ को पसंद नहीं है और थोड़ा सा एलर्जी टाइप का भी है, तो मैंने नहीं डाला था मूंगफली। अदरक नहीं लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के मिक्सी में वो डाल दिया था। पहले तो भून ली थी भिंडी तेल में, जीरा सरसों डाल के, हल्दी डाल के, फिर वो मैंने मसाला डाल दिया था, फिर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था और ढक्कन रख के पका लिया था। वैसे भिंडी बहुत जल्दी बनती है और टेस्टी भी लगती है। और ये स्वीट कॉर्न लाए थे तो वो भी उबाल दिए थे मैंने अच्छे से, पानी डाल के फिर नमक डाल के, जो भी बर्तन हुए थे वो भी क्लीन कर दिए थे। फिर से मैं दिखा रही हूँ ये आफ्टरनून के टाइम का ये व्यू, और वो जो बिल्डिंग का जो सोसाइटी दिख रहा है वो भी बहुत अच्छा सोसाइटी था, और ये बादल और सब कुछ मतलब जो क्लाउड थे वो बहुत ही प्यारे लगते थे। मैं हर टाइम वो शूट करती थी, मतलब जब भी मुझे मौका मिलता था, अच्छा दिखता था, वो मैं शूट करने की कोशिश करती थी खिड़की से। ज़्यादा अच्छे से नहीं शूट कर पाती थी मैं, फिर भी मैं कोशिश करती थी कि हाँ चलो थोड़ा सा दिखा देती हूँ बाहर का व्यू, क्योंकि मैं भी ज़्यादा कुछ बाहर नहीं जाती हूँ, घर के अंदर ही रहती हूँ, तो क्या दिखाऊँ, तो वही मेरा जो भी काम का रहता है वही दिखा देती हूँ मैं। तो इवनिंग के टाइम चाय बनी थी सासू माँ के लिए, और ये शिमला मिर्च बनी थी, और भी एक सब्ज़ी बनी थी, आलू की कुछ सब्ज़ी बनी थी, लेकिन मैंने ज़्यादा वो कट कर दिया, तो बहुत लंबा वीडियो होता है और फिर कोई देखता भी नहीं है, तो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है ये। और शिमला मिर्च भी थोड़ा सा भून के तेल में, जीरा सरसों डाल के, हल्दी डाल के, और जो लाल मिर्च होती है उसको पीस के, लहसुन का पेस्ट वो सब कुछ डाला था। बच्चों को कुछ बना के दिया था, क्या बना के दिया था, सूप शायद या पता नहीं क्या खा रहे, मैगी पता नहीं,
मैं भी भूल गई, बहुत दिन हो गए ये वीडियो को। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बैग और सब कुछ टांगने के लिए दिक्कत हो रही थी, मतलब जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने खिले ऐसे ऊपर ठोक के वो जगह कर ली थी। फ्रिज मुझे साफ़ करना था तो मैंने वो खुला छोड़ दिया था ऑफ करके, बाद में मैं साफ़ करूँगी। मेरा वो पुराना वाला फ्रिज था, अभी तो नहीं है लेकिन बैंगलोर में था ये पुराना वाला फ्रिज। तो इतना सा ही मेरा थोड़ा सा जो भी काम किया था मैंने उस टाइम, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा दूसरा भी चैनल है मराठी शारदा ब्लॉग्स करके, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।